जो हम देने जा रहे हैं आपका, वो आपका रिजल्ट जो है खास करके गर्ल के तरफ से बोले कि बैड लक रिजल्ट है। और इस बैड लक रिजल्ट का मेन वजह है आप लोग का मेहनत कम है, और मेहनत होने का मेन वजह है कि आप लोग घर पे जो सेल्फ स्टडी कम करते हो। सेल्फ स्टडी होना आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगी। हम कितना बार बोले और कई बार बोले कि लक्ष्य उसी को मिलती है जिसके मेहनत में जुनून होता है, और जुनून तभी आएगा जब आप किसी ना किसी को देख के कॉपी किए होंगे कि आज हमारे गांव का, आज हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे क्षेत्र का कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि अपने माँ बाप की नाम रोशन अपने नामों से नहीं किया है, अपने कामों से किया है। और काम उसका तभी होगा जब उसके अंदर लगन होगी, एक क्षमता होगा, एक जज्बात होगी, एक जुनून होगा, वो लड़का आगे चल के या लड़कियाँ कभी ना कभी माँ बाप के नाम को रोशन जरूर करेंगे। आज हम मैट्रिक की आपकी नहीं है, टेस्ट छोटा सा टेस्ट का एक कॉपी चेक करवाए, बट उसमें देखिए क्या कि लड़की का जो है 90 कोई नहीं पार कर पाए हैं, 70, 75, 60। इससे एक ही चीज मेरा होता है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत अच्छा से रखो। घर वाले आपके ऊपर कितना आस लेके भेजता है हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, या कि चाहो भाई कुछ करना, कुछ मेहनत करना, लेकिन आप उनके आस को क्या करते हो, निराश में बदल देते हो। अरे संगत 1000 बार मिलता है, संगत से कुछ होता नहीं है, संगत से एक ही चीज होता है, अभी के डेट में कहा था बिगड़ सकते हो। संगत अच्छे मिल जाएंगे तो आपका जिंदगी वही सवर जाएगा। कहता इंसान के हर ठोकरे गिराता नहीं, कुछ कुछ ठोकरे ऐसे होते हैं जो गिरते गिरते वक्त हमें संभाल लेता है। और हमारे तरफ से एक ही चीज है कि आप लोग मेहनत करो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के साथ साथ में कुछ हमेशा गलत सलत सब चीज को देखते हुए आगे बढ़ो। जहाँ गलत हो वहाँ गाड़ी रुक जानी चाहिए, जहाँ सही हो वहाँ से और रफ्तार होना चाहिए कि हमारी लाइफ ठीक चल रही है। और ये प्रक्रिया आपके अंदर है तो आपको अंदर में फिर कभी कमी नहीं हो पाएगा। हम तो कितना बार बोले कि लड़का से हमेशा लड़कियों का कहता ना कि आज बिहार में चाहे जो भी भारत की है कि लड़का लड़की में भेदभाव करता है। आप आरक्षण के लिए लिखिए ना कि दोनों का आरक्षण 50-50 मिल चुका है, कि आप जितना लड़का करेगा उतना लड़की कर सकता है। तो जितना बिहार बोर्ड में आप लड़की का फर्स्ट ला सकते हो उतना लड़का ला सकते, इसमें किसी का रोक रुकावट नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, बस छोटा सा मार्क्स ले आते हैं बस हम खुश हो जाएंगे। आप लोग घर पे कभी टाइम देते ही नहीं पढ़ने के लिए। ट्यूशन आना बहुत आसान बात है बहू, लेकिन ट्यूशन की वर्क करना और ट्यूशन के टीचरों की बात को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का। लेकिन हम 1000 बार कहते रहेंगे कि देखिए जितना आने से आके बैठ गए हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन बैठने के साथ साथ में यहाँ क्या बोले हम, क्या समझाएं, और हमारी बात को कितने सारे लड़के फॉलो या लड़कियां किया है, वो आपके अंदर की जो है ना, आपके अंदर की कहा जाए कुंजी का जानता होगा कि कितना हम इसमें रखे चुके हैं। बहुत सारा है कि सुना सर जब तक क्लास से बोले सुने, उसके बाद में कहानी खत्म कर दो, फिर सुने निकाल दो, तब ऐसे करते करते जीवन कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। और आप जो सोच रहे हो वो सपना आपका साकार होने के बजाय आपका अधूरा रह जाएगा। सपना साकार करने के लिए हमें कुछ नहीं, बस अपने आप में काबिलियत बनाओ, मेहनत बनाओ, एक जुनून बनाओ, जज्बात बनाओ, अपने अंदर को हमेशा एक लाइट की तरह, प्रकाश की तरह हमेशा इंजोला रखो जीवन में, कभी अंधेरा की मुंह देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका आजाद सर आपको हमेशा ये समझाया, हमारे सुपर क्लास चांदनी चौक भट्टा से ही हमेशा बच्चों को निगरानी में रखा जाता है कि आप गलत में ना रहें, और अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत अच्छा करना पड़ेगा। इसके लिए आज हमारी अपनी बात को थोड़ा यहीं सीमित रखते हैं। जय हिंद, जय हिंद।